हम लोग क्या देख रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन करिए इस पे। बैक क्लास में हम लोग इनोन्सियोमर्स देखे थे, उसी का क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। लिखो फाइंड आउट इफ द कंपाउंड हैज कायरल एटम, ठीक है ना, कायरल एटम बताना है, कायरल है कि नहीं, ठीक है। ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, नाइट्रोजन लगा दीजिए इस पे, मिथाइल हाइड्रोजन एक लोन पेयर इसके पास, बताइए इसमें कायरल आइटम है कि नहीं, ठीक ना। चलो देखो इसको ड्रॉ कर लो, साइक्लोहेक्सीन, ओके, नाइट्रोजन लोन पेयर, मिथाइल एंड हाइड्रोजन, ओके। कायरल का कंडीशन क्या बताया थे आपको, कायरल होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, पहला आपको sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड, 4 डिफरेंट आइटम या ग्रुप, डिफरेंट आइटम या ग्रुप, कोई दिक्कत। तो इसमें देखो पहले बेंजीन में देख लेते हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन में, इसमें आपको देखो यहाँ दो हाइड्रोजन नहीं मैच नहीं होगा, नहीं शो करेगा, चाहिए ना 4 डिफरेंट हाइड्रेशन, तो sp3 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड, ओके। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन नहीं शो करेगा, यहाँ भी नहीं शो करेगा, यहाँ नहीं शो करेगा आपको। इसके पास देखो क्या एक पाई बॉन्ड, इसका हाइड्रेशन क्या है sp2, तो sp2 में तो नहीं होता है, sp3 चाहिए कायरल होने के लिए, ठीक है। तो आपका ये नहीं शो करेगा, यहाँ भी नहीं शो करेगा। हम अब देखिए नाइट्रोजन के पास, सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपके पास, नाइट्रोजन के पास आपको 3 सिग्मा, 1 2 3 3 सिग्मा, तो क्या कर सकते हैं sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है क्या sp2। तो क्राइटेरिया क्या होता है इसमें कायरल होने के लिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ ना, 1 2 3, देखो एक इसमें एक दो तीन हुआ। तब इसको क्या कह सकते हैं, जीरो कायरल, क्या कहेंगे, जीरो कायरल आइटम, को दिक्कत। और इसमें क्या रिजोनेंस हो रहा है आपका, इसमें आपका रिजोनेंस भी हो रहा है, इस तरह से को दिक्कत, रिजोनेंस भी हो रहा है आपको, कंप्लीटली कंपाउंड आपको कायरल शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगेन रिपीट, नाइट्रोजन के पास देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड, ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहीं पर आपका फेल हो गया, कोई दिक्कत। राइट डाउन, जूम कर दो, जूम आउट, जीरो कायरल एटम, ठीक है। इसमें पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिखा देते हैं, हेयर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको रेजोनेंस कर रहा है, देख लो रेजोनेंस कर रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस, ये आगे बढ़ेगा, ये आपका बॉन्ड आगे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड, ओके, इसलिए सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2, ओके। यहाँ पे जो लोन पेयर हो रहा है रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है ना, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किसका, नाइट्रोजन का, इसी कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ऐसे भी पहचाने का तरीका 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 रहेगा तो sp3, लेकिन आपको यहाँ पे 3 बना रहा है, ठीक है, लोन पेयर कंसीडर इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। राइट डाउन, कंप्लीट जूम कर दो,
नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलेक्यूल, आपका कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, कार्बन का मिथाइल है क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड, ये आपका फर्स्ट है। एक कंपाउंड आपका दिया रहेगा, आपको है क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल एंड आयोडीन, ठीक है। आपको बताइए इसमें दोनों में रिलेशन बताना, ठीक है। कंपाउंड आपको बताना है, ये कंपाउंड इनानसियोमर है या, ठीक है, या आइडेंटिकल है, ठीक। दो बताना है इसमें, आप क्या करते थे इसमें, दोनों कंपाउंड में क्या करते थे, पहले प्रायोरिटी निकालते थे, ठीक है। आर और एस निकालिए, देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसमें है आपको, है ना, आपको 1 2 3 4, है ना, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, आयोडीन का 1, ठीक है, आयोडीन का 1, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आपको थर्ड हो गया क्लोरीन, फोर्थ ये, इसको क्या करते थे, फोर्थ को इग्नोर करते थे, इनानसियोमर निकालने के लिए इसको आपको इग्नोर करना है, इसको निग्लेक्ट करना है, ठीक ना। कैमरा सी दैट फर्स्ट देख लो, फिर से अगेन रिपीट, प्रायोरिटी निकालिए, सबसे पहले देखना है एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फर्स्ट मार्क किया इसको, ब्रोमीन का, उसके बाद थर्ड है क्लोरीन का, ठीक है, उसके बाद कार्बन, इसमें कार्बन कंसीडर करना है, फोर्थ नंबर, ये वर्टिकल पोजिशन पर है तो इसको इग्नोर कर दिए, ठीक है, फोर्थ को इग्नोर करते थे, तो वर्टिकल में क्या लिखते थे, VCR, वी मीन्स वर्टिकल, सी मीन्स क्लॉकवाइज, आर हो गया कन्फिग्रेशन, कोई दिक्कत। अब रोटेशन करते थे, रोटेट अबाउट 1 2 3 1 2 3, देखो ये इस डायरेक्शन में होगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 रोटेशन, किस डायरेक्शन में होगा ये आपका, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में रोटेट करवाया तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल पे है क्लॉकवाइज रोटेशन, तो कन्फिग्रेशन आर हुआ इसका, आर कोई दिक्कत। अब इसको निकालो, फर्स्ट सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका, उसके बाद ब्रोमीन का, थर्ड क्लोरीन का, फोर्थ आपका मिथाइल का, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, फोर्थ को इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट, ठीक हो, कैंसिल आउट। तब चलो रोटेशन कराओ, क्या 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखते थे जब हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, HCS लिखते थे ना इसको, H मीन्स हॉरिजॉन्टल, C मीन्स क्लॉकवाइज, S मीन्स कन्फिग्रेशन, बोलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज है तो इसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, R हो जाएगा इसका, R कन्फिग्रेशन, क्या गया दोनों का सेम सेम, आर आर दोनों का आ गया सेम सेम, इनानसियोमर नहीं हुआ आपको तो क्या कर सकते हैं इसको, दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, 1 and 2 कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। आपको ऑप्शन ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, इनानसियोमर आइडेंटिकल या नॉन ऑफ दीज, ठीक है, या दोनों, कोई दिक्कत, तो आपको टिक करना है आइडेंटिकल, कुछ नहीं करना है फर्स्ट में, अगेन रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट में एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा प्रायोरिटी, ओके। उसके बाद रोटेट करना है, ठीक है, 1 2 3 मार्क रखना, 1 2 3 के डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्थ आइटम को, ग्रुप या को उसको निग्लेक्ट कर देना है। तो क्या शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, जब वर्टिकल पे है तो VCR और हॉरिजॉन्टल पे है तो HCS, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो VCR, आर हो गया कन्फिग्रेशन, इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पे तो HCS, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज है फॉर्मूला में तो आपका उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो आर हो गया आपका इसका, दोनों सेम, दोनों का पॉइंट विल बी सेम। यहाँ पे लिख लो जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है, यहाँ से नोट लिख लो, जिसका
ज्यादा एटॉमिक नंबर या मास, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास भार, ठीक है, एटॉमिक मास उसका ज्यादा प्रायोरिटी होता है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, प्रायोरिटी होता है। ओके, लिख लो ये, नोट कर लो, जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से नहीं मैच करता, एटॉमिक वेट, कोई दिक्कत, उसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, देख लो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लास्ट में, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का एंड कार्बन, ठीक है, नोट डाउन। अब इसी पे क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए नोट डाउन, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन में एक दो पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है, इसको याद करना है। हाँ देखो, मान लीजिए फर्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन आर आर आया था, क्या कह सकते हैं, सॉरी आर से एस चेंज कर गया, आर से एस, तो क्या कहेंगे, इनान्सियोमर, इनान्सियोमर्स, पहला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड या सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट का आर आया, दूसरे का एस, तो क्या कहेंगे, इनान्सियोमर्स, सेकंड, मान लीजिए एस है, आर आ गया, तो क्या कहेंगे, इनान्सियोमर्स, इनान्सियोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, मान लीजिए एस है, एस से एस ही आया, तो क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, पहला कंपाउंड का एस है, दूसरे का एस ही आया, तो क्या कहेंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ओके, नो इनान्सियोमर्स, इसका मीनिंग भी कह सकते हैं नॉट इनान्सियोमर्स, ओके। फोर्थ, मतलब आर से आर ही, नहीं नॉट, नहीं चेंज किया, ठीक है, तो क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, डो नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूग्रेशन, पहला कंपाउंड का आर है, दूसरे का चेंज कर गया, तो इनान्सियोमर्स, पहले का एस है, दूसरे का आर आ गया, चेंज कर गया, तो इनान्सियोमर कहेंगे, ठीक है। जब पहले का सेम एस है, दूसरे का भी एस है, तो नॉट चेंज, अभी क्वेश्चन कराया आपको, आर आर, पहले का दूसरे का, तो आइडेंटिकल, ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो, क्वेश्चन करते हैं बेसिक, ठीक है। हाँ क्वेश्चन राइट डाउन, राइट डाउन, मिथाइल फ्लोरीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, फर्स्ट कंपाउंड है, कार्बन आपका, फ्लोरीन है, मिथाइल क्लोरीन इधर आपका, आयोडीन, ओके, सॉरी क्या हो जाएगा इधर, इधर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए बताइए, सेकंड कंपाउंड है, बताना आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम या इनान्सियोमर, चलो फर्स्ट में देखते हैं, एटॉमिक नंबर किसका होगा, ब्रोमीन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर, निगलेक्ट करते हैं, ठीक ना, डू नॉट कंसीडर, क्या है बोलिए, फोर्थ किस पर है, वर्टिकल पोजीशन, VCR डायरेक्शन 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, किस डायरेक्शन हुआ ये आपका, इस तरह से घूम रहा है, बोलो क्लॉकवाइज, क्या हुआ ये, क्लॉकवाइज, ओके, वर्टिकल पोजीशन, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन आर, इसमें चलो ब्रोमीन का फर्स्ट, क्लोरीन का सेकंड, थर्ड फ्लोरीन का, फोर्थ
मिथाइल का, इग्नोर, इसको रिलेट करते हैं इस कंपाउंड को। बोलो डायरेक्शन, 1 2 3, 1 2 3, किस डायरेक्शन में हुआ? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ओके बोलो किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल। बोलो क्या लिखेंगे? एच सी एस। किस डायरेक्शन? एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ क्लॉक वाइज के लिए एस होता है तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए आर। दोनों को बोलो आर आर सेम, तो क्या बोलेंगे दोनों? 1 and 2 आर आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, नॉन नॉट इनानसियमर्स। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं उसी पे। वर्टिकल के लिए VCR होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए SCS, ठीक है? वर्टिकल के लिए VCR, आपका रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज आर, रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बट ये क्लॉकवाइज के लिए है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा आर इसका, ठीक है? क्लॉकवाइज तो एस लिखते, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है? आर कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत? तो दोनों कंपाउंड विल बी सेम, आइडेंटिकल। ओके राइट डाउन, मिनट मिनट देना टाइम, 1 सेवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ठीक है? आइसोटोप हाइड्रोजन का, इसका हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, बताए कौन कौन सा होता है? एक हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम, एक ट्यूटेरियम, इसका एटॉमिक नंबर सबका इक्वल, बट ठीक है, बट एटॉमिक वेट आपका इसका 1 होता है, इसका 2, ट्यूटेरियम का 3, याद रखना है, ठीक है ना? नीचे वाला हो गया एटॉमिक नंबर, ऊपर का एटॉमिक वेट, ये ड्यूटेरियम है। ओके ड्यूटेरियम राइट डाउन, आपको ये पहला कंपाउंड हो गया, सेकेंड विल बी देखो कार्बन का क्लोरीन है, फ्लोरीन है एंड हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, ठीक है? सेकंड, चलो निकालना है इसमें। चलो इसमें फर्स्ट में एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन क्लोरीन फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका 1 होता है, इसका एटॉमिक 1 1, दोनों का एटॉमिक नंबर है, जहां पे एटॉमिक नंबर मैच कर जाए तो क्या देखना है? एटॉमिक वेट, ठीक है? जब एटॉमिक नंबर मैच कर गया, देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक वेट डिफर, तो डिफर को ज्यादा दे प्रायोरिटी, जिसका हाई एटॉमिक वेट है तो इसको करेंगे कंसीडर 3, इसका 4, 4 क्या है? वर्टिकल पोजिशन पे, क्या करेंगे? इग्नोर, इग्नोर, ठीक है? इग्नोर करेंगे तो आप रोटेशन 1 2 3, रोटेशन 1 2 3, ओके रोटेशन 1 2 3, रोटेशन 1 2 3, रोटेशन आपका आ गया 1 2 3, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल पे है तो VCR, कोई दिक्कत? VCR में किस डायरेक्शन में हुआ आपका? एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट इसका हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। ये VCR हुआ क्लॉकवाइज के, लेकिन ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके सेकंड देखो, फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड ड्यूटेरियम, फोर्थ आपका हाइड्रोजन। इग्नोर करिए इसको, इग्नोर, क्या हो जाएगा? वर्टिकल पे है VCR, डायरेक्शन 1 2 3, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके बोलो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर, क्या हो गया? इनानसियोमर, क्या कहेंगे? इनानसियोमर, दिस कंपाउंड्स विल बी, कंपेयर करेंगे 1 2 में तो आपका ये इनानसियोमर हुआ। ओके क्योंकि एक का कॉन्फ़िगरेशन है अदर का है आर,
कन्फिग्रेशन चेंज कर गया तो दिस कंपाउंड विल बी इनांसियोमर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फास्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाइए इसका। कार्बन मिथाइल फिनाइल है, ठीक है, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। ओके चलिए फर्स्ट है आपका, फिर कार्बन आपका, ब्रोमीन इधर आपका हो गया, हाइड्रोजन, फिनाइल आपका इधर, मिथाइल है। चलिए सेकंड कंपाउंड, चलिए बताना है आपको इसको आर है कि एस। देखिए फर्स्ट में सबसे पहले ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का फर्स्ट, उसके बाद कंपेयर करेंगे कार्बन और मिथाइल, फिनाइल में पांच कार्बन है तो मोर एटॉमिक वेट इसका फिनाइल का दो हो गया, इसका थर्ड फोर, इसको इग्नोर करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके तो डायरेक्शन बोलो 1 2 3 इस तरह से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे है तो एच सी एस, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसका, एंटी क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा आर। कोई दिक्कत इसमें, देखो इसमें देखो 1 2 3 मिथाइल का, हाइड्रोजन का 4, इग्नोर करेंगे क्या करेंगे इग्नोर। ओके इग्नोर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा एच सी एस, क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन एस, क्या कहेंगे इनांसियो मर, इनांसियो मर। ओके इनांसियो मर्स, ओके क्या है इनांसियो मर्स, दिस कंपाउंड्स विल बी, देखो पहला एटॉमिक नंबर हाई ब्रोमीन का, उसके बाद फिनाइल दोनों में कंपेयर कार्बन और फिनाइल में, इसमें तो 5 कार्बन का रिंग बनेगा, ठीक है इसमें आपको ये ठीक एक कार्बन है तो सेकंड थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ को इग्नोर करेंगे, बट क्या है हॉरिजॉन्टल पे एस सी एस, डायरेक्शन 1 2 3 क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में एस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज आर हो गया, कोई दिक्कत इसमें सेम फर्स्ट ब्रोमीन सेकंड फिनाइल थर्ड मिथाइल, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है एस सी एस, कंसिडर करेंगे डायरेक्शन 1 2 3 3 के पास जाना है, ठीक है तो क्लॉकवाइज क्लॉक एस, आर से एस चेंज कर गया तो ही बताए हैं क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन इनांसियो मर्स। राइट डाउन जूम जूम देख लो, ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड है, सॉरी एल्डिहाइड, इसको करिए एल्डिहाइड है आपका, ब्रोमीन ये आपका आयोडीन है, ठीक है ना आयोडीन
हाइड्रोजन फर्स्ट कंपाउंड। ओके, फिर है कार्बन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ओके सर, ये फ्लोरीन है आपका। हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। ओके चलिए, सेकंड कंपाउंड बताना है। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है क्या? इनांसियोमर्स है। ओके चलो देखो, फर्स्ट कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन, थर्ड, फोर्थ हाइड्रोजन। कहाँ चल गया? इग्नोर फोर्थ पोजिशन। क्या करेंगे? इग्नोर इसको, हाइड्रोजन को इग्नोर करेंगे। रोटेशन कराओ, वन टू थ्री, वन टू थ्री। किस डायरेक्शन? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज में क्या है? हॉरिजॉन्टल पे है। तो लिख दो पहले फॉर्मूला एच सी एस, शॉर्ट ट्रिक। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, सी मीन्स क्लॉक वाइज, एस मीन्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके अब बोलो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन आपका एस है कॉन्फ़िगरेशन क्लॉक वाइज के लिए, तो क्या कहेंगे? आर। इसका बोलो सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इग्नोर करो इसको। वी सी आर वर्टिकल के लिए, वर्टिकल पोजिशन पे ना है ये आपको हाइड्रोजन, फोर्थ पोजिशन आपका वर्टिकल पे है। बोलो वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा आपको? रोटेशन कराओ, वन टू थ्री, किस डायरेक्शन? क्लॉक वाइज हुआ, क्लॉक वाइज वर्टिकल पे क्लॉक वाइज रोटेशन। आर, दोनों का आर आर सेम, तो क्या कहेंगे? वन एंड टू कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल। ओके, वन एंड टू कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। चलिए, अल्कोहल है, ठीक है, हाइड्रोजन एस एस थाई अल्कोहल, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कार्बन आपका है एस एच, वो अल्कोहल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। चलिए इसमें बताना है, ठीक है। क्या करेंगे? प्रायोरिटी निकालिए एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर होगा? सल्फर, थोड़ी ज्यादा सल्फर का होगा, फर्स्ट सेकंड, ऑक्सीजन का थर्ड फोर्थ। क्या हो गया? इग्नोर, इसको करते हैं एक निग्लेक्ट को, दिक्कत, इग्नोर करते हैं हाइड्रोजन को। बोलो रोटेशन, सबसे पहले क्या हो गया आपका? ये वर्टिकल पे है, तो वी सी आर लिख दीजिए, ओके, दिक्कत। वी सी आर, वी मीन्स वर्टिकल, सी मीन्स क्लॉकवाइज, आर मीन्स आपका कॉन्फ़िगरेशन। चलिए रोटेशन अबाउट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, किस डायरेक्शन में हुआ आपको? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशन आर आपका, कोई दिक्कत? वर्टिकल पोजिशन पे है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए, फर्स्ट उसके बाद फ्लोरीन का, सेकंड थर्ड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन फोर्थ। क्या करेंगे इसको? इग्नोर, क्या करेंगे? इग्नोर फोर्थ को, ठीक है, रोटेशन वन टू थ्री इस तरह से। और क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पे है एच सी एस, को दिक्कत, हॉरिजॉन्टल पे ना है फोर्थ पोजिशन हाइड्रोजन, उसका सबसे कम आपका प्रायोरिटी है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट। ओके
तो HCF रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, 1 2 3 बोलो क्या हो जाएगा इसका, क्लॉकवाइज में हॉरिजॉन्टल पर रहेगा तो एस, कन्फ्यूजन चेंज कर गया तो क्या कहेंगे, इनांसियोमर्स, 1 and 2 कंपाउंड विल बी इनांसियोमर्स, इनांसियोमर्स, क्योंकि आपका कन्फिगुरेशन चेंज कर गया आर से एस। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी निकालना है, सेकंड आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे, यदि आपका ये पहले में आपको वर्टिकल पे है तो वी सी आर, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन तो आर हो जाएगा, अदरवाइज एस, कोई दिक्कत। सेकंड में उसी तरह से प्रायोरिटी निकालना है, यदि हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या एस सी एस, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन तो एस, अदरवाइज आर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन NO2, ओके, मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड आपका है मिथाइल NO2 और आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ओके, सेकंड कंपाउंड, चलिए बनाओ, बनाइए इसको। फर्स्ट का क्या करते हैं इसमें, आपको आइडेंटिकल या इनांसियोमर्स निकालने के लिए कन्फिगरेशन निकालते हैं, पहले प्रायोरिटी निकालिए, चारों में सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर है, देखो क्लोरीन का फर्स्ट, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, फोर्थ हाइड्रोजन, इसको फोर्थ को इग्नोर करते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, ओके, इसको ये नहीं देखना है कि 1 2 3 के बीच में आ रहा है 4, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना, 4 को माइंड से निकाल देते, निग्लिजिबल, 0। चलो रोटेशन कराओ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहले लिख दो एच सी एस, कोई दिक्कत, रोटेशन 1 2 3 1 2 3 बोलो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, क्या हुआ, क्लॉकवाइज, बोलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस, एंड सेकंड में देखो, फर्स्ट क्लोरीन का, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन, फोर्थ हाइड्रोजन, फोर्थ को इग्नोर करते हैं, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो किस किस डायरेक्शन पे है, वर्टिकल पे, तो बी सी आर, रोटेशन 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 1 2 3, कोई दिक्कत, बीच में नहीं देखना है कि 4 आ रहा है, ठीक है ना, उसको 0 निग्लिजिबल कर रहे हैं, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल पे है, रोटेशन क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन आर, चेंज कर गया तो क्या कहेंगे, दिस कंपाउंड्स विल बी इनांसियोमर, दोनों क्या है, इनांसियोमर्स, ओके, राइट डाउन। शॉर्ट ट्रिक लगाना है, ठीक है ना, विद इन सेकंड में आपको क्वेश्चन बनेगा, जेई मेंस का और नीट का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फ्लोरीन
आपका मिथाइल है, सॉरी फिर तो है, हाँ राइट डाउन, आपका फ्लोरीन ब्रोमीन, ओके NO2 हाइड्रोजन, ठीक है फर्स्ट कंपाउंड। एंड सेकंड कंपाउंड विल बी NO2 वर्टिकल पोजिशन, NO2 ब्रोमीन फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन, ठीक है सेकंड। चलिए बताइए इसको दोनों कंपाउंड्स क्या है, इनांसियोमर्स है कि आपका आइडेंटिकल है, ओके चलिए फर्स्ट देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, थर्ड नाइट्रोजन का, ओके फोर्थ हाइड्रोजन, इसको इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं इग्नोर इसको मतलब डिलीट, ओके बोलो फोर्थ जो आइटम है सबसे लो प्रायोरिटी का हाइड्रोजन किस पे है आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, HCS रोटेट कराओ 1 2 3 1 2 3, ठीक है इस तरह से 1 2 3, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, क्या कहेंगे S, ओके इसमें देखो फर्स्ट ब्रोमीन का, सेकंड फ्लोरीन का, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ इसको क्या करेंगे निग्लेजिबल इग्नोर, ठीक है कंप्लीटली डिलीट कर देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका रोटेशन, बोलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे HCS रोटेशन 1 2 3 1 से 2 3 पर जाना है, ठीक है रोटेशन हो रहा है आपका एंटी क्लॉक वाइज, क्या हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ओके क्या हो जाएगा आपका ये क्लॉक वाइज के लिए है, हॉरिजॉन्टल पे है तो आपका क्लॉक वाइज के लिए है तो एंटी क्लॉक वाइज उल्टा हो जाएगा आर, को प्रॉब्लम कन्फ्यूगेशन विल बी चेंज, तो क्या कहेंगे इसको इनांसियोमर्स, इनांसियोमर्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोजन आपका क्लोरीन है, ठीक है फ्लोरीन ये फर्स्ट है, क्लोरीन है फ्लोरीन है हाइड्रोजन है, ठीक है चलिए बनाए इसको सेकंड, ठीक है चलो फर्स्ट देखिए प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है इसका ब्रोमीन का फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एटॉमिक नंबर, फोर्थ हाइड्रोजन, इसको इग्नोर करिए इग्नोर, कोई दिक्कत मूवमेंट 1 2 3 क्या है वर्टिकल पे है तो VCR डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ओके क्या हो जाएगा वर्टिकल पे क्लॉक वाइज तो R होता है बट ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज है 1 2 3, ओके तो क्या हो जाएगा S कन्फिग्रेशन, सेकंड का ब्रोमिन का फर्स्ट, क्लोरिन का सेकंड, फ्लोरिन का थर्ड, फोर्थ का हाइड्रोजन, क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, ओके क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो HCS, ठीक है हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या करेंगे उसको बोलो रोटेशन बताओ 1 2 3 1 2 लगातार 1 2 होना चाहिए यानी कि अल्टरनेट, ओके रोटेशन विल बी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ओके
आपका फोर्थ जो हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी का है आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या कहेंगे एसी क्लॉकवाइज के लिए एस, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर। तो दिस कंपाउंड्स विल बी 1 एंड 2 विल बी क्या हो जाएगा इनांसियोमर्स, इनांसियोमर्स नॉट आइडेंटिकल। ओके राइट डाउन। हम लोग इनांसियोमर को इन्वर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है, इन्वर्जन क्योंकि क्वेश्चन में रहता है, इन्वर्जन समझिए, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, आर से एस चेंज कर जाए या एस से आर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मीन्स इनांसियोमर, सेम एक चीज है, अलग अलग वर्ड है, इनांसियोमर्स। कोई दिक्कत, ऑप्शन में इन्वर्जन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन भी, ऐसे इनांसियोमर्स को दिक्कत, जनरली इनांसियोमर्स ही रहता है। राइट डाउन, चले नेक्स्ट। इनांसियोमर को हम लोग इन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, फर्स्ट है, फ्लोरीन है एफ, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड ब्रोमीन है, क्लोरीन है एंड मिथाइल एंड हाइड्रोजन। ओके चलिए, ये आपका सेकंड है, ये आपका सेकंड है। ओके चलिए, इसमें प्रायोरिटी निकालो, सबसे ज्यादा ब्रोमीन का, उसके बाद सॉरी उसके बाद क्लोरीन का, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ हाइड्रोजन। इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे फोर्थ को, निगलेक्ट डिलीट कर देंगे। ओके चलो, वर्टिकल पे है क्या, फोर्थ पोजिशन वर्टिकल पे है, तो वी सी आर, ओके रोटेट 1 2 3 1 2 3, किस डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ओके क्या कर सकते हैं इसको, क्लॉक वाइज के लिए आर, तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए एस, कन्फिग्रेशन। सेकंड में देखो, फर्स्ट ब्रोमीन का, सेकंड क्लोरीन, थर्ड कार्बन मिथाइल का, फोर्थ हाइड्रोजन। इग्नोर करेंगे इसको, डिलीट कर देंगे। ओके चलिए, रोटेशन 1 2 3 किस डायरेक्शन में हुआ, आपको पहले वर्टिकल पे है तो VCR लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए R होता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉक के लिए S। क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल 1 and 2 कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल। ओके आइडेंटिकल, ओके राइट डाउन। राइट डाउन फर्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन मिथाइल ब्रोमीन, फर्स्ट
क्लोरीन, मिथाइल, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ओके आपका सेकंड है। चलिए इसमें बताइए, देखो फर्स्ट में सबसे ज्यादा मोर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन, क्लोरीन, सेकंड थर्ड कार्बन, फोर्थ हाइड्रोजन, इसको क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं इग्नोर डिलीट, ओके तो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहता है HCS, ठीक है HCS, रोटेशन 1, 2, 3, क्या किस डायरेक्शन में हुआ एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, कोई दिक्कत, एंटी क्लॉक वाइज के लिए S, तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए R, अपोजिट, कोई दिक्कत। इसमें देखो फर्स्ट ब्रोमीन का, सेकंड क्लोरीन का, थर्ड कार्बन, फोर्थ हाइड्रोजन, फोर्थ को इग्नोर करते हैं मतलब डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत, डायरेक्शन 1, 2, 3, ओके किस डायरेक्शन में हुआ एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ओके अब बोलो कहाँ वर्टिकल पे है, तो VCR क्लॉक वाइज के लिए R, तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए S, क्या हो गया दिस कंपाउंड्स 1 एंड 2 विल बी इनॉन्सियोमर्स, 1 एंड 2 कंपाउंड्स विल बी इनॉन्सियोमर्स, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है आपका ये है इस तरह से, बेज, ठीक है ना बेज पोजिशन है आपका, ये मिथाइल है, क्या मिथाइल, ओके ये फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड विल बी साइक्लोहेक्सीन, ये आपका फिफ्थ, ठीक है डैश डैश पोजिशन मिथाइल है। चलिए बताना है आइडेंटिकल है कि इनॉन्सियोमर, ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, पहले देखना है कि कायरल कार्बन है कि नहीं इसके पास, ठीक है एक मिथाइल है इसके पास, एक हाइड्रोजन है, ठीक है दो ये यहाँ पे CH2 दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन ये आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक दो तीन, ठीक हो दिक्कत। तो क्या इसमें देख लो पहला क्या है मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड CH2 है, फोर्थ CH, कोई दिक्कत डिफर, तो क्या कायरल का क्या कंडीशन होता है आपका, कायरल के लिए आपका पहला होता है आपको sp3 होना चाहिए है ना, एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई दिक्कत sp3, दूसरा फोर डिफरेंट आइटम या ग्रुप, कोई दिक्कत तो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो क्या आपको कायरल कार्बन इसमें है, क्या है कायरल कार्बन, इस तरह से इसमें सेम कोई दिक्कत, मतलब स्टार लगा दो कायरल कार्बन इसके पास भी है, कोई दिक्कत बताने की जरूरत नहीं, इसमें भी कायरल कार्बन है, ठीक है। अब देखो एक है मिथाइल,
अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ठीक है, प्रोजेक्शन चेंज कर गया, तो क्या कर सकते हैं, इनानसियो मर ये आपका कंपाउंड है, क्या है, इनानसियो मर, ठीक है ना, एक मिथाइल आपको बेज पोजीशन पे है, एक डैश पोजीशन पे है, मतलब एक अंदर एक बाहर, ठीक है, तो आपका ये पोजीशन आपका चेंज हो गया, ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर से एस चेंज हो रहा है, तो दिस कंपाउंड्स विल बी इनानसियो मर, ओके, आपका दोनों कायरल शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी है आपका एक हाइड्रोजन, अलग ड्रॉ करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक दो तीन चार, इसमें भी है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड मिथाइल, थर्ड सी एच, फोर्थ सी एच टू, ओके, राइट डाउन, इसमें ये मार्क करना है, ये मिथाइल, देखो ये मिथाइल है, एक है अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, पोजीशन आपका चेंज कर गया, दिस इज कॉल्ड इनानसियो मर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बताना तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन, बेज पोजिशन पे है आपका, ठीक है, बेज पोजिशन पे आपका है ब्रोमीन, ओके, आपका डैश पोजिशन आयोडीन है, ओके, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड हाइड्रोजन क्लोरीन, ओके, आपका है डिप है, उत्तर कर दो, बेज पोजीशन, ओके, आयोडीन है, यहाँ पे डैश पोजीशन पे आपका ब्रोमीन है, ठीक है, अब इसको बताइए, यहाँ देखो फोर डिफरेंट आइटम, सबसे पहले तो हाइड्रोजन sp3 है, कोई दिक्कत, डिफरेंट है, फोर फोर अलग अलग है ना, तो क्या कह सकते हैं, कायरल है आपको, ये भी कायरल है, कायरल कार्बन, कोई दिक्कत, ये भी सेम sp3, क्या फोर डिफरेंट आइटम, तो कायरल, ये भी कायरल है, कोई दिक्कत, कायरल कार्बन है, अब चलिए देखिए यहाँ पोजीशन है ब्रोमीन है, आपको बेस पोजीशन पे यहाँ आयोडीन एक्सचेंज कर गया, ठीक है ना, और एक्सचेंज कर गया, एक बार आयोडीन की जगह ब्रोमीन चला गया, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया, तो क्या कह सकते हैं, इनानसियो मर, दिस कंपाउंड विल बी इनानसियो मर्स, इनानसियो मर्स, ऑड एक्सचेंज, मतलब ऑड एक्सचेंज, एक्सचेंज कर गया, ठीक है, ऑड एक्सचेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनानसियो मर होता है, इनानसियो मर्स है ना, पोजीशन बदल दिया, एक बार आयोडीन की जगह पे ब्रोमीन चला गया, ब्रोमीन की जगह आयोडीन चला गया, ठीक है, तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे को अपोजिट हो गया इच अदर, ठीक है, आर एस, तो आर से एस, देखो आयोडीन है ना, आपको डैश पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, डैश के जगह पे आपको बेज के पोजीशन पे जो डिप कलर है वहाँ पे आपको आयोडीन हो गया, तो क्या आपको डायरेक्शन चेंज करके एक अंदर के एक बाहर की तरफ, दिस कंपाउंड विल बी इनानसियोमर्स, या ऑड एक्सचेंज, ऑड एक्सचेंज होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनानसियोमर्स, ओके, अब दोनों कंपाउंड कायरल है, क्योंकि देखो दोनों के पास हाइब्रिडाइजेशन फोर सिग्मा बॉन्ड sp3, फोर सिग्मा बॉन्ड sp3, और आपको फोर डिफरेंट हाइड्रोजन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आपको फोर डिफरेंट आइटम, दिस विल बी सो कायरल कार्बन, ओके, राइट डाउन फर्स्ट, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये ब्रोमीन है आपका, आयोडीन है, ओके, फर्स्ट कंपाउंड। चेंज कर गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन आ गया। चलिए बताइए इसको। सॉरी, चेंज कर लो, आपका मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, सॉरी, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ओके। चलिए बनाइए अब इसको। सबसे पहले ये पहला कंपाउंड आपको, ये सेकंड, कोई दिक्कत, एक डैश, एक बेज, एक डैश बेज, ठीक है, बेज और डैश, ओके। अब इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कायरल देखते हैं, कायरल है कि नहीं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए, फोर सिग्मा बॉन्ड, तो क्या sp3 आपका है, बट देखो यहाँ पे इथाइल, ये मिथाइल, मिथाइल, ये इथाइल, फिर ये मिथाइल है आपका, मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या पहला में क्या हो गया, हाइड्रोजन, दूसरा में इथाइल, थर्ड में मिथाइल, फोर्थ में मिथाइल, सॉरी इथाइल है, मिथाइल है, क्या सेम सेम हो गया ना, सेम सेम, ये आपको मैच कर गया, कोई दिक्कत, मिथाइल मिथाइल, तो क्या कह सकते हैं, नो काइरल, इसके पास क्या है, जीरो काइरल कार्बन, जीरो काइरल कार्बन, इसके पास सेम सेम कंपाउंड है दोनों, इसके पास भी sp3 है, बट इसके पास जीरो काइरल कार्बन, तो क्या कर सकते हैं, वन एंड टू, मतलब कोई इनांसमर्स नहीं है ना, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत, जीरो काइरल कार्बन है, राइट डाउन, जब काइरल है ना आगे चर्चा ही नहीं करना, ओके, वहीं पर स्टॉप कर जाना, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड्स हैविंग, नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन काइरल सेंटर, ठीक है, एक से ज्यादा काइरल सेंटर, ठीक है, इज सिमेट्रिक, ठीक है, या एसिमेट्रिक, एक से ज्यादा काइरल रहेगा तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन से, CH3, ओके, हाइड्रोजन अल्कोहल, हाइड्रोजन अल्कोहल, ठीक है, देखो इसके पास कितना काइरल कार्बन है, देखिए एक ये कार्बन है, कार्बन वन और कार्बन टू, देखो इसके पास हाइड्रोजन अल्कोहल मिथाइल, एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत, एक बड़ा ग्रुप इसके पास है ना, वन टू थ्री, एक बड़ा ग्रुप, तो क्या काइरल कार्बन इसके पास है, इसके पास है, देखो हाइड्रोजन मिथाइल अल्कोहल, एक बड़ा ग्रुप, तो क्या दो काइरल कार्बन है, क्या है इसके पास, टू काइरल कार्बन, कोई दिक्कत। अब इसमें सिमेट्री है कि नहीं, मिरर लगाइए, इसमें इमेज लगाइए, ठीक है, मिरर इस तरह से देखो मिरर, ठीक है, पहले तो काइरल देखे, हाइड्रोजन अल्कोहल मिथाइल एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत, एक का एक काइरल दूसरे कार्बन का, हाइड्रोजन अल्कोहल मिथाइल एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत, बड़ा ग्रुप मतलब ये पूरा दो काइरल कार्बन है इसके पास, ठीक है। अब सिमेट्री देखते हैं कि नहीं, देखो जब मिरर लगाए तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, अल्कोहल के सामने अल्कोहल, तो मतलब इसके पास
प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी को बोलते हैं हम लोग मीजोफॉर्म, ठीक है, राइट डाउन, इसी को बोलते हैं हम लोग मीजोफॉर्म। जूम कर, ठीक है, नेक्स्ट। जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मीजोफॉर्म। चलिए राइट डाउन, मीजो क्या होता है, ठीक है, मीजो, ठीक है, क्या होता है मीजो, फर्स्ट में मोर देन, मोर देन वन कायरल कार्बन, ओके, या एटम, को दिखा एटम या ग्रुप, ठीक है। सेकंड, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, को दिक्कत, मीजोफॉर्म के लिए, मीजोफॉर्म के लिए कंडीशन होता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए, जो आपको एग्जांपल देकर बताया अभी, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, और या सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इन, दिस इज कॉल्ड मीजोफॉर्म। इसके रोटेशन करते हैं, ठीक है, रोटेट अबाउट पीपीएल, रोटेशन ऑफ पीपीएल, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्ट ऑफ कंपाउंड, वन पार्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज कैंसिल्ड बाय, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, अदर ऑफ कंपाउंड, अदर पार्ट ऑफ कंपाउंड, क्या करता है, एक रोटेट करेगा, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों क्या करता है, कैंसिल टू इच अदर करता है, किसके अबाउट, पीपीएल, पीपल लाइट के अबाउट। इसी को बोलते हैं हम लोग मीजोफॉर्म, मीजोफॉर्म कंडीशन, सबसे पहले मोर देन वन कायरल कार्बन, सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, जो एग्जांपल से बता चुके हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, जब रोटेट करता है पीपीएल के अबाउट, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है, मिला जुला के जीरो पर आ जाता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं मीजोफॉर्म। राइट डाउन, नेक्स्ट, टाइम कितना हुआ, 5 हो गया, बहुत 5 मिनट और चलेगा। चलो, मीजो क्या होता है अभी बताए, मीजो, ठीक है, बताए, क्या बताए थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, को दिक्कत, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें क्या होता है, कंपाउंड में इंटरनल होता है, ठीक है ना, इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन मतलब इसका एक कंपाउंड के अंदर ही दो कायरल कार्बन है, तो एक रोटेट करेगा लेफ्ट एक राइट, ठीक है, अंदर में ही कंपनसेशन होता है, मिला जुला के जीरो, को दिक्कत, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों मिला के न्यूट्रल हो जाता है, ठीक ना, इसमें लिख लो वन पार्ट ऑफ पीपीएल, वन पार्ट ऑफ कंपाउंड, सॉरी, वन पार्ट ऑफ कंपाउंड रोटेट पीपीएल, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट,
टू लेफ्ट एंड अदर अदर रोटेट पीपीएल टू राइट. एक रोटेट करेगा लेफ्ट तो दूसरा राइट, ठीक है. दोनों क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है. कैंसिलेशन इज डन इन सेम कंपाउंड, ठीक है. इन सेम कंपाउंड किसमें, मीजोफोर में. ओके, इसमें क्या कर रहा है, मीजोफोर में ऑप्टिकली इनएक्टिव इंटरनल कंपनसेशन होगा. जस्ट जाएंगे इनर्सिमर पा रहे हैं उसमें, जस्ट इसका वन पार्ट कर देगा आपको रोटेट लेफ्ट एंड अदर. दोनों क्या करेगा, कैंसिल इच अदर, ठीक है. एक रोटेट करेगा लेफ्ट एक राइट. को दिक्कत ऑप्टिकली मीजोफोर याद करना है, इनएक्टिव होता है दूसरा डेलग एक्सप्रेशन. एक रोटेट करेगा लेफ्ट तो दूसरे कंपाउंड राइट. दोनों क्या करेगा, मिला जुला के कैंसिल इच अदर कर देगा. कोई दिक्कत. अब आते हैं इनर्सिमर, राइट डाउन. राइट डाउन फर्स्ट नेक्स्ट इनान्सियोमर उसका डिस. इनान्सियोमर इनान्सियोमर क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना. इन एक्टिव इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल, उसमें इंटरनल होता था, इसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपनसेशन कंपनसेशन. ओके, थर्ड वन कंपाउंड रोटेट टू पीपीएल टू लेफ्ट, ठीक है. एंड अदर कंपाउंड रोटेट टू पीपीएल टू राइट. ओके, राइट. दोनों क्या कर देगा, कैंसिलेशन टू इच अदर, ठीक है. कैंसिलेशन इज डन कर लो, कैंसिलेशन इज डन इन डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है. उसमें सेम कंपाउंड होता था, इसमें आपका डिफरेंट कंपाउंड. ओके, इसमें भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, उसमें इंटरनल होता था मीजो में, इनान्सियो में एक्सटर्नल को दुख, और एक कंपाउंड रोटेट कर लेफ्ट तो ये अदर राइट. इसमें दोनों कैंसिल कर देगा, डिफरेंट कंपाउंड, इसमें सेम कंपाउंड के अंदर होता था, ठीक है. इसमें डिफरेंट कंपाउंड कैंसिल टू इच अदर. जो एक का निकलता था आर के एस, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर, इसी को बोलते हैं इनान्सियोमर्स. राइट डाउन, क्वेश्चन करते हैं, दो दिन इस पे हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर, ठीक है. कंपाउंड इज मीजो या आइडेंटिकल, आपको दिया हुआ है. क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है. सोर्स प्रोजेक्शन है CH3, आपको है हाइड्रोजन क्लोरीन और मिथाइल, ठीक है. अब मीजो निकालना है, ठीक है. देखिए इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, देखो 1, 2, 3 और एक बड़ा ग्रुप 4 है ना, कायरल कार्बन. कोई दिक्कत है, इसका हाइड्रोजन भी SP3, क्यों,
चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी है कायरल कार्बन, कोई दिक्कत? एक दो तीन और एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन। तो मिजो के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन आपका? मोर देन वन कायरल कार्बन, मोर देन वन कायरल कार्बन, ओके, मोर देन वन कायरल कार्बन। दूसरा आप देखिए सिमेट्री है कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालिए। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर पे आपको एक डॉट लगाते हैं। अब देखो इसके सामने सामने है ना हाइड्रोजन, देखो कट लगाओ, हाइड्रोजन है, जितना डिस्टेंस पे हाइड्रोजन है उतना ना, कोई दिक्कत? इसी तरह से मिथाइल भी है, क्लोरीन भी है, देख लो जितना जो दूरी पे क्लोरीन है उतना पे दूरी पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन दूरी पे हाइड्रोजन भी है, मिथाइल मिथाइल। तो क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों है, क्या है? दोनों। तो क्या कहेंगे ये? दिस कंपाउंड्स विल बी मिजो, क्या कहेंगे? मिजो है आपका, कोई दिक्कत? ये फिशर प्रोजेक्शन क्वेश्चन था। सबसे पहले इसमें बताना था आपको कि कायरल कार्बन है कि नहीं, तो कायरल है आपको, देख लो 1 2 3 डिफरेंट, एक बड़ा ग्रुप डिफर, इसमें भी आपको 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप डिफर, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन sp3 दो कायरल कार्बन है आपको। अब देखना प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करते थे? डॉट, आप मिरर लगाइए सेम दूरी पे, D1 D2 इक्वल, हाइड्रोजन पे जितना पे ऑब्जेक्ट है इमेज बन रहा है सेम डिस्टेंस पे, उस तरह से मिथाइल मिथाइल, इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन इक्वल, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या कहेंगे? मिजो फॉर्म। और क्या कहलाएगा ये आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव ही इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई दिक्कत? ये मिजो फॉर्म है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और क्वेश्चन देख लो, देखिए क्वेश्चन, क्लोरीन क्लोरीन, चलिए बताइए इसमें क्या? पहले कायरल कार्बन है, देख लो यहाँ पे क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, ये आपका CH2 है ये, ठीक है, एक दो तीन, एक बड़ा ग्रुप ये हो गया आपका, ये बड़ा ग्रुप हो गया ना, तो क्या कायरल कार्बन कह सकते हैं? कायरल कार्बन, इसके पास भी है कायरल कार्बन सेम है, ठीक है, क्लोरीन है ये CH2, एक हाइड्रोजन इसके पास है, कोई दिक्कत? दो तीन एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? कायरल कार्बन, ठीक है, रिफ्रेश कर लो फिर से, इसके पास भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, क्या कह सकते हैं मिजो के लिए? मिजो के लिए दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लो, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, क्या करते हैं? मिरर लगाइए, मिरर, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन सेम, तो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? मिजो फॉर्म कंडीशन फुलफिल करता है, इसके पास दो कायरल कार्बन है, एक आपको यहाँ है, एक आपको यहाँ करा चुके हैं, ठीक है, जब इमेज रखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके पास। अब इसके बाद आप जेई मेन्स का और नीट का क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? कहीं नहीं, सिर्फ जेई मेन्स का क्वेश्चन करना है आपको, पूरे 30 साल का क्वेश्चन करना है, ठीक है ना,